हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी में वैकेंसी है, सुजुकी मोटरसाइकिल। आपने नाम जरूर सुना होगा। इसमें ये जॉब फेयर है ऑल गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए। इसकी इनहैंड सैलरी 17,000 पर मंथ है, जो कि स्टार्टिंग के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी है। इसका जो इंटरव्यू है, रिटर्न टेस्ट होना है इसका 24 सितंबर 2024 को सुबह 11 बजे से, वो भी ऑनलाइन। तो आपको कहीं जाना भी नहीं है, इसकी बहुत अच्छी बात यह है। इसकी ब्रांच जो एलिजिबल है, मैकेनिकल में ऑटोमोबाइल से जिसने किया हो या मैकेनिकल प्रोडक्शन से इस साल 2024 में पास आउट हो रहे हैं, उनके लिए ये वैकेंसी है। मिनिमम 60% होना चाहिए आपका डिप्लोमा में। एज आपकी 18 से 23 के बीच में होना चाहिए, यानी 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 23 साल। सैलरी देखिए लिखा है 17,000 पर मंथ इन हैंड। रिटर्न टेस्ट जो आपका होगा उसमें MCQ टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जिसमें टेक्निकल टेस्ट होगा 60 क्वेश्चन आएंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट के 40 क्वेश्चन आएंगे, और जो टोटल टेस्ट टाइम रहेगा वो आपको 1 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा है कि लिंक फॉर ऑनलाइन टेस्ट विल बी सेंड टू द शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स ऑन देयर मेल्स ऑन 23rd September 2024 इन इवनिंग, यानी 23 सितंबर की शाम तक आपको क्या होगा, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उसकी एग्जाम की लिंक आ जाएगी, और लिंक तभी एक्टिव होगी जब एग्जाम होगा। तो बार बार क्लिक करके उसमें परेशान मत होइएगा। अब ये गूगल फॉर्म आपको फिल कर लेना है। इसमें आपका देखिए साफ साफ सब चीज़ें लिखी हैं, योर पॉलीटेक्निक नेम, अपने पॉलीटेक्निक का नाम पूरा लिखिएगा। गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक्स के लिए हैं तो गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक का पूरा नाम लिखिएगा, योर नेम, अपना पूरा नाम, योर एनरोलमेंट नंबर जो कैपिटल ई से शुरू होता है वो पूरा भरिएगा 14 अंकों का, और इसके बाद अपना मोबाइल नंबर बिल्कुल सही सही दीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ईमेल आईडी बिल्कुल सही लिखिएगा, लिखने के बाद चेक भी कर लीजिएगा, क्योंकि लिंक जो आएगी वो आपकी ईमेल आईडी पर ही आएगी। उसके बाद आपको यहां से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। योर एज ऑन 1/4/2024, 1/4/2024 को आपकी एज कितनी हो रही है यहां पर आपको लिख देना है। डिप्लोमा टाइप लेटरल एंटी डिप्लोमा है या ग्रुप ए डिप्लोमा है, सेलेक्ट कर लीजिए एक चॉइस। योर ब्रांच 2 के लिए एलिजिबल है, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल प्रोडक्शन। हाई स्कूल परसेंटेज आपका 2 अंकों तक दशमलव के बाद लिखना है, जैसे 49.32, तो जितना भी 68.45 तो वो लिखना है। हाई स्कूल पासिंग ईयर किस साल आपने पास आउट किया है। इंटर परसेंटेज यदि एप्लीकेबल है तो लिखिए, इंटर नहीं किया है तो नॉट एप्लीकेबल, यहां पर एनए आप लिख दीजिएगा। और इंटर पासिंग ईयर कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है। डिप्लोमा पासिंग ईयर क्या है, 2024 2023, दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो यानी 2023 वाले भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 2024 वाले भी, तो 2024 वाले हैं तो आप इस पर टिक कर दीजिए। टोटल परसेंटेज फॉर पास्ड आउट स्टूडेंट 2 अंकों तक आप लिख दीजिए, 5th सेमेस्टर तक का यहां पर आप भर दीजिए, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट तो आया नहीं है। योर फादर्स नेम, अपने पिता का नाम पूरा लिख दीजिए। परमानेंट एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड पिन कोड, परमानेंट एड्रेस जहां के आप रहने वाले हैं, पूरा पता जैसा आधार में लिखा रहता है, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पूरे स्टेट का नाम और आपका पिन कोड सहित आपको लिखना है। मेल है कि फीमेल है, फीमेल है तो इसको ऑप्शन को टिक कर देंगे, मेल है तो इसको, और इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो इसकी जो लिंक है गूगल फॉर्म की, उसको मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए देता हूँ, तुरंत उसको भर लीजिए आज ही, और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए जो भी ऑटोमोबाइल और प्रोडक्शन के स्टूडेंट्स हैं, ताकि सभी को ये जॉब प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सके। सैलरी बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत प्रतिष्ठित कंपनी है, आप सभी जानते हैं, और इनहैंड सैलरी बहुत अच्छी है, तो स्टार्ट करने का आपके पास इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। शुभकामनाओं सहित आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन मंगलमय हो।